लोग एक चार मेंबर की डेलीगेशन लेके पांच ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट किया हमने, जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, होम मिनिस्टर से जाके मिले और ये बात हमने उनको कहा, ये बात उनके सामने रखी कि जो भी पुलिसकर्मी हैं जो लोग असॉल्ट में हाँ और मोलेस्टेशन में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त जो है कार्यवाही मतलब की जाए, जो SHO है हाँ तो जिसके खिलाफ कंप्लेंट है हाँ कंप्लेंट बकायदा है मोलेस्टेशन का, उसको तुरंत जो है सस्पेंड किया जाए और जो भी इंक्वायरी प्रोसेस उसके खिलाफ करना है चाहे वो इंटरनल हो चाहे FIR के रूप में, पर उसका सस्पेंशन होना बहुत ज़रूरी है। पहले सैटरडे को स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हमें एश्योरेंस दिया था 48 आवर्स में इसमें कुछ हो जाएगा, आज उन्होंने अपनी टाइम लिमिट बढ़ा दी है, लेकिन हमने कहा ये बार बार नहीं बढ़ेगी, तो जो PRO हैं उनके DCP भी हैं मिस्टर मधुर वर्मा, उन्होंने कहा शाम तक मैं आपको इस बारे में कुछ क्या एक्शन हुआ हम बताते हैं। तो देखो हम उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम मोलेस्टेशन का इतना ग्रेव ऑफेंस है कि उसमें उस व्यक्ति के खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी जल्द से जल्द पूरी हो, एक्शन हो, और जब तक एक्शन नहीं, जब तक ये इंक्वायरी पूरी नहीं होती वो अंडर सस्पेंशन रहे वो आदमी, क्योंकि इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर ये कार्रवाई नहीं करते तो कल हम पार्लियामेंट में करेंगे, पार्लियामेंट के बाहर जाकर हम प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे। ये बहुत ही निंदनीय घटना है जो अब रिपोर्ट्स आ रही हैं स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ, जिस तरह से पुलिस स्टेशन में उनके साथ व्यवहार हुआ, खींचा गया बालों से, और ये आई विटनेसेस की रिपोर्ट आ रही है, तो देश की राजधानी में ये हो जाना और उस पर आप इतना टाइम लगा रहे हैं FIR दर्ज करने के लिए, ये तो बिल्कुल समझ नहीं आता है एक लोकतांत्रिक देश में, और वो भी पत्रकार इतना रोष व्यक्त कर रहे हैं, रोष है उनमें, होना भी चाहिए, फिर भी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। हम लोग पार्लियामेंट के बाहर खड़े हुए हैं, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्या हो रहा हमारे देश में, शर्म आ रही है कहते हुए। हम पत्रकार तो अपने झगड़े में अपने लिए खड़े हुए हैं, पर जिस तरह स्टूडेंट्स के साथ अभद्रता हुई, उनके कपड़े फाड़े गए, मैंने वीडियोस देखे हैं, मुझे आज समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग किस किस ज़माने में रह रहे हैं। आर वी लिविंग इन द स्टोन एज वेयर द पुलिस हैज टोटल पावर टू डू वट एवर इट फील्स लाइक इन द नेम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आप मोलेस्ट करेंगे, आप कपड़े फाड़ेंगे, आप मारपीट करेंगे, पत्रकारों के कैमरे तोड़ेंगे, क्या क्या करेंगे आप? मैं सोसाइटी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि उस लड़की के साथ सही हुआ है? अगर नहीं लगता है तो आप यहाँ क्यों नहीं हैं? आप क्यों नहीं रिएक्ट कर रहे हैं? आप जहाँ भी हैं, आपके पास जो भी फोरम है, आप उस पर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि एक जर्नलिस्ट जो कवर करने गई है उसको उसके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए? क्या सोसाइटी जी लेगी क्या? अगर इस तरह से हम पीटे जाएं, आप पीटे जाएं, इनको नौकरी से निकाल दिया जाए, इनको नौकरी से निकाल दिया जाए, यही होता रहे और झूठ का पूरा प्रपंच रचता रहे तो सोसाइटी जी लेगी? सोसाइटी को 5 मिनट के लिए सोचना चाहिए, और अगली बार भगवान न करे कि ऐसा कोई मौका आए हो तो पत्रकार से ज़्यादा समाज को आना चाहिए। कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ के आइसक्रीम खाते रहें और डेमोक्रेसी आपको फ्री में मिल जाए, उसके लिए आपको भी कीमत चुकानी पड़ेगी, आपको भी सड़क पे आना पड़ेगा।